हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाला साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो ये कल शाम को 4:30 को मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू के बारे में बात करें, वेलिंगटन स्टेडियम साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। मैं आपको हेड टू हेड टीम फॉर्म पिच रिपोर्ट आप 100% मनी इजीली सेंड करें, हर चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 100% मनी इजीली से एंड करेंगे। पहले पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो इस पिच पर टोटल 33 मैचेस खेले हैं। उसमें फर्स्ट बैटिंग के लिए टीम 14 टाइम जीते हैं और सेकंड बैटिंग के लिए टीम 17 टाइम जीते हैं। और इस पिच का विलो 200 से कम बार को 7 बार मारे और इस पिच का 200 से 250 बार को 7 बार मारे और इस पिच में 250 से 300 बार 10 बार मारे। इस पिच का एबो स्कोर मतलब 300 से प्लस रन 7 बार मारे और इस पिच में फास्ट बॉलर्स को 73 विकेट्स मिले, स्पिनर्स को 34 विकेट्स मिले। और एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग वाली टीम के बारे में बात करें तो 246 रन मार सकते हैं। और इस पिच का हाई स्कोर के बारे में बात करें तो इंग्लैंड ने 399 रन मारे और इस पिच का लो स्कोर के बारे में बात करें जिम्बाब्वे 78 रन में ऑल आउट हो गए थे। मैं आपको पिच रिपोर्ट भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। आप 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे। आप 100% ग्रैंड टीम में भी स्मॉल टीम में भी मनी इजीली से अर्न करेंगे। मैं दो दो अप्रोड करूंगा, सब 100% मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। पहला वाला विजन लेवल, आप विजन ऑफ 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। आपको विजन लेवल ऑफ 100% आपको डेली एक या दो फ्रेंड मिलेगा, आप 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। कमाल का ऐप है विजन लेवल, आप विजन ऑफ 100% मनी इजीली से एन करेंगे। दूसरा वाला है माई मास्टर, आप माई मास्टर में 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। आपको माई मास्टर भी आपको डेली एक या दो फ्री एंट्री मिलेगा, फ्री एंट्री के साथ साथ ऑफर्स भी जीतेंगे क्योंकि इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है। कमाल का ऐप है माई मास्टर, मैंने दोनों ऐप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूँ। आपको भी दोनों ऐप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूँ, तुरंत लिंक से दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। मैंने दोनों ऐप का लिंक टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दिया, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आप 100% दोनों ऐप में मनी इजीली से एन करेंगे। आप वेन्यू रिपोर्ट, इस पिच में लास्ट 3 मैचेस का स्कोर कार्ड के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड ने लास्ट मैचेस में 342 रन मारे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने 347 रन मार के विन हो गए थे 5 विकेट से। और साउथ अफ्रीका ने लास्ट दूसरा मैच साउथ अफ्रीका ने 298 रन मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ। इस पिच में इंग्लैंड ने 27 रन से हार गए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया ने इस पिच में 271 रन मारे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इस पिच में साउथ अफ्रीका 274 रन मार के 6 विकेट से विन हो गए थे। मैं आपको इस पिच का वेन्यू रिपोर्ट के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया लास्ट 3 मैचेस का। अब मैं साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 टुम्बा वावन, रविंदर डुसन, एडम मार्करम, क्लेसकन, डेविड मिलर, मैरकोन जैक्सन, रबाडा, पर्नल और नॉटिज और सेमसी को। इन हर प्लेयर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करें तो टुम्बा वावन ने लास्ट मैच 35 रन मारे थे, लास्ट दूसरे मैच डकआउट, तीसरे मैच 6, चौथे मैच 90 और पांचवें 144 रन मारे। कमाल का बैट्समैन टुम्बा वावन को 100% पिक कर लेना। और रविंदर डुसन के बारे में बात करें तो रविंदर डुसन ने लास्ट 6 रन, दूसरे मैच 21, तीसरे मैच डकआउट और चौथे मैच 6 और पांचवें मैच 2 रन मारते। एक रविंदर डुसन भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, रविंदर डुसन को भी 100% पिक करें। एडम मार्करम के बारे में बात करें, एडम मार्करम ने लास्ट मैच 48 रन प्लस 0 विकेट, दूसरे मैच 7 रन, तीसरे मैच 13 रन प्लस 0 विकेट और चौथे मैच 18 रन मारते और पांचवें मैच 10 रन प्लस 0 विकेट मारे। और क्लेसकन के बारे में बात करें, क्लेसकन ने लास्ट मैच 18 रन, दूसरा मैच 46, तीसरा मैच डकआउट, चौथे मैच भी 46 और पांचवें मैच 60 रन मारे। क्लेसकन भी कमाल का बैट्समैन, क्लेसकन को भी 100% पिक कर लेना। डेविड मिलर के बारे में बात करें, डेविड मिलर ने लास्ट मैच 6, दूसरा मैच 21, तीसरा मैच डकआउट, चौथे मैच 6 और पांचवें मैच 2 रन मारे। डेविड मिलर भी कमाल का बैट्समैन, डेविड मिलर को भी 100% पिक कर लेना। और मैरकोन जैक्सन के बारे में बात करें तो मैरकोन जैक्सन ने लास्ट मैच 20 रन प्लस 2 विकेट और दूसरा मैच 28 रन प्लस 1 विकेट, तीसरे मैच 8 रन प्लस 0 विकेट और चौथे मैच 19 रन प्लस 0 विकेट, पांचवें मैच 2 विकेट लिया। मैरकोन जैक्सन भी कमाल का प्लेयर। रबाडा के बारे में बात करते हैं, रबाडा ने लास्ट मैच 2 विकेट लिए हैं 0 रन और दूसरे मैच 1 रन प्लस 2 विकेट, तीसरे मैच 2 विकेट लिए थे, चौथे मैच 2 विकेट, पांचवें मैच 0 विकेट मिला। रबाडा भी कमाल का बॉलर है। और पर्नल के बारे में बात करते हैं, पर्नल ने लास्ट मैच 11 रन प्लस 0 विकेट, दूसरे मैच 9 रन प्लस 1 विकेट, तीसरे मैच 13 रन प्लस 0 विकेट, चौथे मैच 3 रन प्लस 2 विकेट और पांचवें मैच 3 विकेट मिला था। और नोटिस के बारे में बात करते हैं, लास्ट मैच में 4 रन प्लस 0 विकेट, दूसरे मैच 0 विकेट, तीसरे मैच 1 विकेट, चौथे मैच 0 विकेट, पांचवें मैच भी 0 विकेट मिला। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बॉलर सेमसी के बारे में बात करते हैं, लास्ट मैच में
एक विकेट मिला था, दूसरा मैच सोनी रन प्लस सोन विकेट, और तीसरे मैच भी सोनी, चौथे मैच भी सोनी रन प्लस सोन विकेट, पांचवें मैच चार विकेट ले, कमाल का बॉलर है। मैंने साउथ अफ्रीका का प्लेइंग इलेवन भी एक्सप्लेन कर उनका उन हर प्लेयर का लास्ट फाइव मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग इलेवन देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग इलेवन डेविड वार्नर, टेसर हेड, मिचेल मार्श और मैरकन लेविसन, इंग्लिस, मार्कस स्टोनिस, कैमरन ग्रीन, अबोट, हेजलवुड, एडन जंपा और नैथन इलियंस। इन हर प्ले का लास्ट फाइव मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात की था। डेविड ऑनर के बारे में बात की था, डेविड ऑनर ने लास्ट मैच 84, दूसरे मैच 60, तीसरे मैच 5, चौथे मैच 90 और पांचवें मैच 45 रन मारे। डेविड ऑनर भी कमाल का बैट्समैन है। और टेस्ट में हेड के बारे में बात की था, हेड ने लास्ट मैच 18, दूसरे मैच 6 और तीसरे मैच 47, चौथे मैच 49 प्लस सोनी विकेट, पांचवें मैच 116 रन माने, कमाल का बैट्समैन है। और मिचेल मार्श के बारे में बात करते हैं, मिचेल मार्श ने लास्ट मैच 79, दूसरे मैच 92, तीसरे मैच 22 रन प्लस सोनी विकेट और चौथे मैच 82 रन प्लस सोनी विकेट, पांचवें मैच 146 रन प्लस दो विकेट लिया, कमाल का बैट्समैन। अब मिचेल मार्श को भी 100% पिक कर लेना। और मैरकन लेविसन के बारे में बात करें, लेविसन ने लास्ट मैच 22, दूसरे मैच 162 रन प्लस सोनी विकेट, तीसरे मैच 54, चौथे मैच 77, पांचवें मैच 13 रन मारते हैं। और इंग्लिश के बारे में 400, इंग्लिश ने लास्ट मैच में लास्ट मैच 2, दूसरा मैच 1, तीसरा मैच 26, चौथे मैच 138, पांचवें मैच 4 रन मारा था। और मार्कस स्टोनिस के बारे में बात करते हैं, मार्कस स्टोनिस ने लास्ट 6 रन प्लस 3 विकेट, दूसरा मैच 13 रन प्लस 1 विकेट, चौथे मैच में 3 रन प्लस 1 विकेट, पांचवें मैच 37 रन प्लस 1 विकेट मिला। और कैमरन ग्रीन के बारे में बात करते हैं, कैमरन ग्रीन ने लास्ट मैच 19 रन प्लस 2 विकेट, दूसरा मैच 18 रन प्लस 2 विकेट और तीसरे मैच 66 रन प्लस 1 विकेट और चौथे मैच 31 रन प्लस 1 विकेट, पांचवें मैच 30 रन प्लस 1 विकेट मिला। कैमरन ग्रीन भी कमाल का ऑलराउंडर है। और अबोट के बारे में बात करते हैं, अबोट ने लास्ट मैच में 3 विकेट लिया, दूसरा मैच 3 रन प्लस 1 विकेट और तीसरा मैच 15 रन प्लस 7 विकेट, चौथे मैच 9 रन प्लस 4 विकेट, पांचवें मैच 56 रन प्लस 3 विकेट लिया। और हेजलवुड के बारे में बात करें, जैसवा हेजलवुड ने लास्ट मैच 10 रन प्लस 3 विकेट और दूसरे मैच 4 रन प्लस 5 विकेट लिया, तीसरे मैच 5 रन प्लस 5 विकेट लिया और चौथे मैच 3 विकेट, पांचवें मैच 0 विकेट मिला, कमाल का बॉलर। अब जैसवा हेजलवुड को भी 100% पिक किया। एडन जंपा के बारे में बात करें, एडन जंपा को लास्ट मैच 0 विकेट, दूसरे मैच 2, तीसरे मैच भी 2, चौथे मैच 2 और पांचवें मैच 12 रन प्लस 0 विकेट मिला। और नैथन इलियंस के बारे में बात करते हैं, नैथन इलियंस को लास्ट मैच 3 विकेट, दूसरे मैच 0, तीसरे मैच में 0 रन प्लस 0 विकेट, चौथे मैच 1 विकेट मिला था, पांचवें मैच 2 विकेट मिला। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया टीम का प्लेइंग 11 भी एक्सप्लेन कर दिया और हर प्लेयर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन कर दिया। अब साउथ अफ्रीका टीम का बेंच प्लेयर के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका में बेंच प्लेयर हैंड्रिक्स और स्टुबेस और ब्रेबिस, कोटिज और फोर्टन और मगलान और महाराजा, साउथ अफ्रीका टीम का बेंच प्लेयर है, इनका भी स्टैट्स में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और हैंड्रिक्स के बारे में बात करें, हैंड्रिक्स भी कमाल का बैट्समैन, उनको भी जानते हो, आईपीएल भी खेल चुके हैं। हैंड्रिक्स ने लास्ट मैच में 3 रन मारे थे, दूसरे मैच 56 और तीसरे मैच उनको बैटिंग में चांस नहीं मिला था, चौथे मैच 0 रन प्लस 1 विकेट, पांचवें मैच 50 रन मारे। हैंड्रिक्स भी एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। और स्टुबेस के बारे में बात करें, लास्ट मैच 27, दूसरे मैच में 0 विकेट, तीसरे मैच 129 रन प्लस 1 विकेट और तीसरे मैच 0 रन प्लस 1 विकेट, पांचवें मैच 50 रन प्लस 1 विकेट लिया। और ब्रेबिस के बारे में बात करें, ब्रेबिस में कमाल का बैट्समैन, डिविलियर्स की तरह खेलते हैं। ब्रेबिस को लास्ट मैच 0 रन, दूसरे मैच 5 रन और तीसरे मैच 20 रन मारते, चौथे मैच 41 रन और पांचवें मैच 57 रन मारे। और कोटिज के बारे में बात करते हैं, लास्ट मैच 11 रन प्लस 0 विकेट, दूसरे मैच 1 रन प्लस 1 विकेट, तीसरे मैच में 0 रन प्लस 0 विकेट, चौथे मैच 1 रन प्लस 0 विकेट, पांचवें मैच 2 रन प्लस 4 विकेट लिया। और फ्रोटन के बारे में बात करते हैं, लास्ट मैच 8 रन प्लस 0 विकेट लिया, दूसरे मैच 0 रन प्लस 0 विकेट, दूसरे मैच तीसरे मैच 4 रन प्लस 1 विकेट और चौथे मैच 4 रन प्लस 2 विकेट लिया, पांचवें मैच 1 रन प्लस 2 विकेट लिया, कमाल का ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं, इनको 100% पिक कर लेना। और मगलान के बारे में बात करते हैं, मगलान भी एक इंपॉर्टेंट राइट आर्म मीडियम पेसर बॉलर है, इनको भी 100% पिक कर लेना। इस सीजन में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं, लास्ट मैच 0 विकेट, दूसरा मैच 1, तीसरे मैच 5 रन प्लस 5 विकेट और चौथे मैच 3 विकेट लिया, पांचवें मैच 0 विकेट मिला। और केशव महाराज के बारे में बात करते हैं, महाराज ने लास्ट मैच में 11 रन प्लस 3 विकेट, दूसरे मैच 20 रन प्लस 11 विकेट, तीसरे मैच में 6 रन प्लस 9 विकेट, चौथे मैच में उनको बैटिंग में चांस और बॉलिंग में भी चांस नहीं मिला था। यह है साउथ अफ्रीका टीम का बेंच प्लेयर, मैं आपको बेंच प्लेयर का भी स्टैट्स एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब ऑस्ट्रेलिया टीम का बेंच प्लेयर के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया टीम का बेंच प्लेयर अगर एलेक्स कैरी और हेडन और जॉनसन और तानवीर सांगा को, ऑस्ट्रेलिया टीम के बेंच प्लेयर का स्टैट्स के बारे में बात करें, अगर ने लास्ट मैच में 17 रन प्लस 2 विकेट लिया, दूसरे मैच 26 रन प्लस 5 विकेट और तीसरा मैच 1 विकेट, चौथे मैच 0 विकेट मिला, पांचवें मैच भी 1 विकेट मिला, कमाल का बैट्समैन ऑलराउंडर, अगर कोई 100
अगर खेलते तो अगर कोई 100% ट्राई कर लेना। और एलेक्स कैरी की अगर हम बात करें, एलेक्स कैरी ने लास्ट मैच 38, दूसरा मैच 20, तीसरा मैच 13, चौथा मैच 43, बचे मैच 86 रन मारे। और हेडन के बारे में बात करते हैं, लास्ट मैच में इनको सोने वे का दूसरा 23 रन प्लस सोने वे का तीसरा 48 रन मारे थे, और चौथे मैच 21 रन मारे, पांचवें मैच 45 रन मारे थे। और जॉनसन के बारे में बात करें, जॉनसन ने लास्ट मैच 2 विकेट, दूसरा मैच 1, तीसरा मैच 0, चौथे मैच 0, पांचवें मैच भी 0 विकेट मिला। और तनवीर संगा के बारे में बात करें, लास्ट मैच 4 विकेट लिया, दूसरा मैच 3 और तीसरा मैच 2 रन प्लस 0 विकेट, चौथे मैच 2 विकेट और पांचवें मैच 13 रन प्लस 0 विकेट मिला। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बेंच प्लेयर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, उनका हर प्लेयर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब दोनों टीम का हेड टू हेड के बारे में बात करें तो अब तक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का टोटल 103 मैचेस खेले, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 48 टाइम्स विन किया, साउथ अफ्रीका ने 51 टाइम्स। मैं आपको दोनों टीम का हेड टू हेड भी एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं टीम फॉर्म के बारे में बात किया, टीम फॉर्म में देखा जाए साउथ अफ्रीका ने लास्ट 5 मैचेस में 3 विन किया है और 2 लॉसेस हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 5 मैचेस में 4 विन किया और 1 लॉस हुए। दोनों टीम के मैं टीम फॉर्म भी एक्सप्लेन कर दिया। अब दोनों टीम का लास्ट मैच इसका स्टैट्स के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने 370 रन मारे थे नदरलैंड के खिलाफ, उस मैच में नदरलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका 146 रन से विन हुए थे। उस मैच में एडम मार्करन ने 126 बॉल पर 175 रन मारे थे और 6 ओवर डाल के 2 विकेट भी लिया था, और उस मैच में डेविड मिलर ने 61 बॉल्स पर 91 रन मारे और मगलान ने 9 ओवर डाल के 5 विकेट भी लिया था। इस मैं आपको साउथ अफ्रीका लास्ट मैचेस का ओडीआई का रिकॉर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया का लास्ट में ओडीआई का मैच के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ खेले थे, 269 रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया 248 रन पर ऑल आउट हो गए थे, और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 21 रन से विन किए थे इंडिया के खिलाफ। इस मैच में मिचेल मार्श ने 47 रन मारे थे, एलेक्स कैरी ने 38 और एडन जंपा ने 10 ओवर डाल के 4 विकेट लिए थे और अगर ने भी 10 ओवर डाल के 2 विकेट लिया था। मैं आपको इस दोनों ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका लास्ट मैच का एक्सप्लेन कर दिया हूँ, लास्ट मैच का स्कोर कार्ड भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब इस पिच साउथ अफ्रीका के की प्लेयर्स के बारे में बात करें, एडम मार्करन, टुम्बा वाना, क्लेसकन, मार्कुन जैक्सन, रबाडा डीकॉक है। मैं आपको ये है की प्लेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है साउथ अफ्रीका का। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया का डेविड वार्नर, पैट कमिंस, हेड, मार्कस स्टोनिस, मिचेल मार्श और एडन जंपा, ऑस्ट्रेलिया टीम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। 6 प्लेयर को 100% ट्राई करना। मैं आपको इन हर प्लेयर का स्टैट्स भी एक्सप्लेन कर दिया। अब कैप्टन में किस किस को आप चूज कर सकते हैं, डीकॉक को, मिचेल मार्श को, मार्कस स्टोनिस को और एडम मार्करम को। और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें तो पैट कमिंस, डेविड ऑर्नर, हेड को, रबाडा को, आप इन चारों प्लेयर को वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग टीम खेलते तो आप डेविड ऑर्नर को, हेजलवुड को, डेविड मिलर को ग्रैंड लीग टीम में भी कप्तान वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं, कमाल का प्लेयर है। आप 100% ग्रैंड लीग टीम में भी इन तीनों प्लेयर को कप्तान वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको यह है मेरा स्मॉल लीग टीम, इसमें विकेट कीपर मैंने 1 विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में 3 बैट्समैन, ऑलराउंडर्स में 3 ऑलराउंडर्स, बॉलर्स में मैंने 4 बॉलर्स को पिक किया। मेरे कप्तान में बनाए मिचेल मार्श को और वाइस कैप्टन में एडम मार्करम को। यह मेरा ग्रैंड लीग टीम, ग्रैंड लीग टीम में मैंने 2 विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में 4 ऑलराउंडर्स में 3 और बॉलर्स में मैंने 2 बॉलर्स को पिक किया। मैंने कप्तान में बनाए डीकॉक को और वाइस कैप्टन में ट्रेसी हेड को। यह ग्रैंड लीग टीम, आपको एक स्मॉल टीम भी प्रोवाइड करते हैं, ग्रैंड लीग टीम भी प्रोवाइड करते हैं, 100% मनी इजिली से अर्न करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।